हेलो फ्रेंड्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओरियो चॉकलेट केक। तो चलिए शुरू करते हैं। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओरियो चॉकलेट केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर ओरियो के वेनिला फ्लेवर के 400 ग्राम बिस्किट लिए हैं। तो हमने यहाँ पर जो 400 ग्राम बिस्किट लिए हैं उसकी क्रीम को हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बिस्किट की सारी क्रीम अच्छे से सेपरेट कर ली है। अब ये जो बिस्किट है इनको हम तोड़ लेंगे। अब एक मिक्सी जार लेकर इसमें ऐड करेंगे बिस्किट के टुकड़े। इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे एक पैकेट इनो और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बिस्किट के टुकड़ों को मिक्सी जार में डालकर और इसमें इनो ऐड कर हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ml दूध और 2 से 3 टेबलस्पून जो दूध है वो हम इस क्रीम में ऐड कर देंगे। मिक्सी जार में दूध ऐड करने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए और ग्राइंड कर लेंगे। ये जो बिस्किट की क्रीम है इसमें हमने 2 से 3 टेबलस्पून दूध ऐड किया और अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्रीम में दूध ऐड करने के बाद इसे लगातार 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी को ऐसा ही रखना है। इसी के साथ ये तैयार है। इसी के साथ हमने बिस्किट के भूके में दूध डालकर इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और हमारा केक का जो बैटर है वो तैयार है। केक को बेक करने के लिए हमने यहाँ पर केक मोल्ड लिया है। अगर आपके पास केक मोल्ड ना हो तो आप इस तरह के किसी बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जिस भी मोल्ड में या फिर बर्तन में केक बनाएंगे उसे तेल से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। इस तरह इसकी बॉटम और दीवारों को हमने तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। मोल्ड को ग्रीस करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे केक का बैटर और इसे अच्छी तरह पूरे मोल्ड में स्प्रेड कर देंगे। हमें इसे इस तरह से टेप कर लेना है ताकि इसमें कोई बबल्स ना रह जाए। और अब हम केक को बेक कर लेंगे। केक को बेक करने के लिए हमने इस तरह का एक बड़ा बर्तन लिया है। इसके सेंटर में स्टैंड रखेंगे और इसे ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लेंगे। इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करने के बाद केयरफुली इसमें केक मोल्ड रख देंगे। अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 45 से 50 मिनट के लिए अच्छे से बेक कर लेंगे। जब तक हमारा केक बेक होता है हम केक की क्रीम बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर लिया है 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून कोको पाउडर। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके लिए हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। केक की क्रीम में ऐड करने के लिए हम बनाएंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून चीनी ली है और इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऐड करेंगे क्रीम के घोल में। क्रीम के घोल में शुगर सिरप ऐड करने के बाद भी हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रह जाए। अब हमारे बनाए हुए घोल को हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर और कोको पाउडर ऐड किया है इसलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाना है ताकि इसमें लम्स ना पड़ जाए। हमने इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है। इसी के साथ इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर हमने 45 से 50 मिनट के लिए अच्छे से बेक कर लिया है। ये सही से बेक हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम इसमें डालेंगे स्टिक्स। अगर हमारी स्टिक जो है वो क्लियर निकलती है इसका मतलब ये है कि हमारा जो केक है वो अच्छे से बेक हो चुका है। अगर स्टिक क्लियर ना हो तो इसे ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए और बेक कर लें। हमने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। अब हम इसे मोल्ड में से निकाल लेंगे। केयरफुली हमने इसे मोल्ड में से निकाल लिया है। ये देखिए हमारा जो केक है कितना अच्छे से बेक हुआ है।
अब हमें इस केक को सेंटर में से कट कर लेना है और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो हमने केक को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे शुगर सिरप। देखिए, हमने इसके लिए शुगर सिरप जो बनाई है इसमें हमने 2 टेबलस्पून चीनी में 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस शुगर सिरप को हम इस पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। देखिए, हमने इसके नीचे वाले हिस्से पर अच्छी तरह शुगर सिरप अप्लाई कर ली है और अब हम इस पर पोर करेंगे हमारी बनाई हुई चॉकलेट क्रीम। हमारी बनाई हुई चॉकलेट क्रीम का 1/4 हिस्सा हमने इस पर ऐड किया है। अब इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से पूरे केक पर स्प्रेड कर देंगे। देखिए, हमने इसके नीचे वाले हिस्से पर अच्छी तरह चॉकलेट क्रीम को स्प्रेड कर दिया है और अब हम इसे कवर करेंगे केक के ऊपर वाले हिस्से से। केयरफुली हमने इसे कवर करना है। हल्के हाथों से इसे प्रेस करेंगे और इस पर भी हम शुगर सिरप अप्लाई कर देंगे। अच्छे से हमें इस पर शुगर सिरप को अप्लाई कर लेना है। इसके ऊपर के हिस्से पर और किनारियों पर हमने शुगर सिरप अच्छे से अप्लाई कर ली है। अब बाकी की बची हुई क्रीम को इस पर अच्छे से ऐड कर देंगे और हमने इस पर जो क्रीम ऐड की है उसको हम इस तरह से स्पैचुला की मदद से पूरे केक पर स्प्रेड करेंगे। केक के ऊपर के हिस्से पर और इसकी किनारियों पर हमने इस तरह से क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। इस पर पूरी तरह क्रीम अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। 15 से 20 मिनट के रेस्ट के बाद हम इसे डेकोरेट करेंगे। हमने जो केक के लिए वाइट क्रीम बनाई थी उसको इस तरह से एक पॉलीथीन में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो इस तरह से हमने वाइट क्रीम को पूरे केक पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब इसे अच्छा सा लुक देने के लिए हम इस पर ऐड करेंगे चेरी। इसी के साथ हमारा ओरियो चॉकलेट केक बनकर बिल्कुल तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और ऐसी ही आसान और यूनिक रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।